वेलकम टू क्विक एंड डिलिशियस क्यूजीन। और आज मैं आपके साथ एक स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये तकरीबन हर घर में ही बनता है, इसको दही फुल्कियाँ बोलते हैं। और नाउ लेट्स शेयर द इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे मैंने ये एक बोल फुल्कियाँ ली हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि इनको मैंने इस बोल में सोक किया हुआ है। ये तकरीबन 30 मिनट टू 1 आवर आपने इनको लुकवार्म वाटर में सोक करना है। और जब ये ऐसे सॉफ्ट हो जाती हैं तो फिर आपने इनको जो है वो उनका पानी ड्रेन कर देना अच्छी तरह से। और इसके साथ जो है मेरे पास ये बॉइल्ड पोटैटो है, स्मॉल टू मीडियम साइज नॉट सॉरी दो स्मॉल साइज पोटैटो हैं। यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने ये धनिया पुदीना और थोड़े से लेटस सीव लिए हैं। अगर आपके पास लेटस नहीं है तो यू कैन ऑलवेज स्किप दैट। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास ये है धनिया पुदीना और ग्रीन चिली की मैंने चटनी बनाई है, ये भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। 1 स्मॉल साइज ऑनियन फाइनली स्लाइस्ड, 1 स्मॉल साइज टोमेटो ऑल्सो फाइनली स्लाइस्ड। और यहाँ पे मेरे पास योगर्ट है जो कि मैं तकरीबन 500 ग्राम्स यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास चाट मसाला 1 टेबल स्पून, आप चाट मसाले की क्वान्टिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट 1/2 टी स्पून और ये क्यूमिन सीड्स भी 1/2 टी स्पून। नाउ लेट्स स्टार्ट। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने ये बॉल ले ली है, इसके अंदर मैं सब चीज़ें पहले मिक्स करूँगी, फिर मैं इसको सर्विंग बॉल में शिफ्ट करके ऊपर से गार्निश करूँगी। सबसे पहले मैंने ये फुल्कियाँ इसमें डाली हैं जिनको कि मैंने पानी में सोक किया हुआ था। इनको आपने अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है। एक्चुअल में सब चीज़ों को हमने बस अब मिक्स ही करना है, इसकी कोई ख़ास वो मुश्किल रेसिपी नहीं है। बस इसमें कोई कुकिंग भी इतनी इन्वॉल्व नहीं है, बस पोटैटोज़ को हमने बॉयल करना होता है। इसमें मैं ये पोटैटोज़ डाले हैं, अब मैं इसमें अनियंस डाल रही हूँ और टोमेटोस। और ये जो मैंने ग्रीन चिली और पुदीने और हरी मिर्चों की जो चटनी बनाई थी, इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी एज नीडेड। और अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं बाद में थोड़ा सा और डालूँगी। इसमें हमने थोड़ा सा चाट मसाला भी डालना है, बाकी हमने ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखना है। और ये मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया एंड कोरिएंडर सीड्स। तो अब इन सब चीज़ों को हमने ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और फिर इसके ऊपर मैंने ये योगर्ट डाल देनी है। योगर्ट काफ़ी थिक थी तो मैंने उसको थोड़ा सा मिल्क डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा वो थिन किया है। तो यूँ हम इसके अंदर जो है वो योगर्ट डालेंगे और इतनी योगर्ट काफ़ी है। अब मैं इसको जो है वो इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसको दूसरे बॉल में शिफ्ट करके आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। इसको मैंने अब सर्विंग बॉल में शिफ्ट किया है, इसके ऊपर जो है मैं थोड़े से ये लेटस लीव डाल दूँगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव, तो आप इसको सिर्फ धनिया पुदीने से ही गार्निश कर सकते हैं, अच्छा लगता है। वैसे लेटस लीव डालने से थोड़ा सा टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाता है, अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए भी। तो बस ये ज़रा सा मैंने लेटस लीव डाल दिए, इसके ऊपर से मैंने ये थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल दिया जिनको मैंने ज़रा बारीक काटा हुआ है। और इसके ऊपर हम इसको जो है वो चाट मसाले से गार्निश कर देंगे। तो चाट मसाला जो है वो हमने इसके ऊपर ऐसे करके स्प्रिंकल करना है। सो दही फुल्कियाँ रेडी है। आई होप यू लाइक द रेसिपी। और मैंने अपने चैनल पे मीठे बड़े और इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी भी बनाना बताई थी, तो आप प्लीज़ वो भी चेक करें। अगर आपको कोई और रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे जो है कॉमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक दैम। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।